नागरिकता कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर यह प्रदर्शन हिंसात्मक होता जा रहा है। एनआरसी को लेकर भी उबाल देखने को मिल रहा है। कई लोग एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के नियम को लेकर भ्रम की स्थिति में हैं। एनआरसी अभी सिर्फ असम में लागू है, पूरे देश में लागू नहीं है। गृह मंत्रालय ने भी एनआरसी के कागजात को लेकर भ्रम दूर करने की कोशिश की। गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक को इसकी वजह से असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। नागरिकता के लिए भारत में जन्म से जुड़ा कोई भी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र जन्म तिथि या जन्म स्थान से जुड़ा हो सकता है। एनआरसी के नियम 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। जिनका जन्म 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ हो, जन्म के समय उनके माता या पिता भारत के नागरिक हों, वो भी भारतीय नागरिक हैं। 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के बाहर जन्मे लोग हैं जिनके माता या पिता उनके जन्म के समय भारत के नागरिक थे, ऐसे लोग भी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। भारत में 3 दिसंबर 2004 को उसके बाद जिनका जन्म हुआ हो, माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों या उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो, दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं है, वो भी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। अब एनआरसी को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। असम को छोड़कर देश में अभी एनआरसी लागू नहीं है, लेकिन उसको लेकर भ्रम की स्थिति है। नागरिकता को साबित करने वाले कागजात को लेकर लोग कह रहे हैं कि आधार से लेकर वोटर आईडी कार्ड तक फर्जी बन जाता है, फिर कैसे भारतीय नागरिकों की पहचान हो पाएगी। कुछ अंदेशों के साथ एनआरसी पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। तो कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन खुद भ्रमित है, दूसरों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, और कौन है जो साजिश रच रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। फेस टू फेस में हमारे दोनों खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए, जिसमें कैप्टन आय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और फजील अहमद साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है। शुरुआत में कैप्टन आय सिंह जी, क्या इसे क्यों ना माना जाए कि एनआरसी लागू करने से पहले देश के अंदर एनपीआर उसी का एक गेटवे है, उसी की एक भूमिका है, और जिसका आरोप का आपके ऊपर में सीधे तौर पर लग रहा है, क्योंकि विपक्षी दल सभी नेता इस बात को लेकर कह रहे हैं कि साहब सरकार चूंकि बैकफुट पर है, इसलिए मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए या थोड़ा माहौल ठीक करने के लिए उस मुद्दे से हटा करके एनआरपी के एनपीआर की बात कर रही है, और ऐसे में यही बुनियाद बनेगा एनसीआर एनआरसी लागू करने के लिए। कैप्टन आय सिंह जी, ऐसा है, दोनों में थोड़ा डिस्टेंस है, ऐसी बात नहीं है, और यह बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जी, आपने देखा होगा कि असम में यह शुरुआत हुई इसकी। मैं भी कुछ समय पहले असम में रहा था, तो असम में मैंने देखा कि वहां पर इतना ज्यादा घुसपैठिया आया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बांग्लादेश से, बर्मा से, सारे वहां भरे पड़े हैं, और वहां पर जो हमारा जो नागरिक है, हमारा जो नागरिक है वो जो है ना वहां पर परेशान हो रहा है इनकी वजह से। इनकी जो सुख सुविधा है वो सारी जो इन लोगों ने तो सवाल तो इसी बात का है, सवाल तो इसी बात का कि आखिर आप अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे, ये को क्यों कह रहे हैं कि देश में एनआरसी लागू नहीं होने जा रहा है, इस बात को कहा जा रहा है। नहीं, ये ऐसा है कि उसमें इसमें थोड़ा सा ये अंतर है कि यहां जो आ गए, जो रह रहे, निकाला नहीं जाएगा किसी को, जो भी आए वो यही रहेंगे। उनको अपना कुछ समय जब से आए हैं उसका उनको सबूत पेश करना पड़ेगा कि वो कब से यहां रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है तो कि फजील अहमद साहब, दिक्कत किस बात की आ जा रही है, जब सारी चीजें क्लियर है, किसी को निकालने का प्रावधान एनपीआर के जरिए नहीं है, एनआरसी कुछ दूसरा है, एनपीआर कुछ दूसरा है, फिर भी हंगामा नहीं। इसमें यह तो बताना पड़ेगा फजील अहमद साहब, ठीक है फजील अहमद साहब। जब्बार भाई, सबसे पहले तो मैं एमआईएम का नहीं समर्थक हूँ, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ जी, इसको ठीक करा दीजिए जी। और अभी भाई साहब ने कहा ये फौज में से रिटायर हुए और आसाम में ड्यूटी किए, हम तो पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे थे कि इतना लोग घुसपैठिया आ गए, फौजी ने रोकेगी उसको?
अरे आप फौजी भी थे, भाजपाई भी थे, संघी भी थे, उसके बाद भी घुसपैठिया आपके, और आप फौज में सेवा दे रहे, फिर भी कौन लोग हैं जो घुसपैठिया को घुसा रहे हैं? अरे हमको हमको तो शर्म इस बात पे आती है, हम जो अफजल गुरु पर तो बहुत शर्मिंदा है, लेकिन शर्म इस बात पे आती है इन्हीं जैसे लोग अफजल गुरु को दिल्ली तक पहुंचा देते हैं, हमको शर्म तो इस बात पे आ रही है। मैं ये शर्म आपको मैं बताना चाहूंगा, भाजपाई भी है, यंगी भी है, जब केंद्र में सरकार थी, जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, एक कांग्रेस की सरकार का काम था, हमको बताइए कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है, जान जान मशीनरी पर भ्रष्टाचार पर, ये बीजेपी लोग फौज का काम नहीं था इसमें, फौज बिल्कुल नहीं थी इसमें, फौज जो है ना वो करती है जो उसको बताया जाता है, वहां पर कांग्रेस सरकार थी, यही मैं कह रहा हूँ कि यही मैं कह रहा हूँ अपना वोट लेने से बैठ के मुसलमानों को गोली से मारो, मुसलमानों को कुचल दो, मुसलमानों को लाठी से मारो, मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, हिस्सा को ये नहीं करना चाहिए, देश का आप गोली मार दो मुसलमानों को, लाठी मार दो मुसलमानों को, देश का मुसलमान इसका यहाँ का नागरिक है, वो यही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, उसके लिए कोई डरने की बात नहीं है, उनको सिर्फ यह जो है ना एक भ्रम सिखाया जा रहा है कि आपको निकाला जाएगा, कोई मुस्लिम डरने की जरूरत नहीं है। आंदोलन क्यों नहीं करने दे रहे आप? आपने 14 से पहले क्या आंदोलन नहीं किया? क्या आपने 14 से पहले आंदोलन नहीं किया इस देश के अंदर? आपने चार चार महीना पार्लियामेंट चलने नहीं दी? आपका आप बताइए कि क्या आंदोलन करना गैर कानूनी है? और सरकार जब कह रहे हैं, जब ये बिल पर इतने लोग विरोध कर रहे हैं, इतना, और पुलिस जानबूझ के लाठी चला रही, गोली चला रही आंदोलन को दबाने के लिए, आपका आंदोलन करने का तरीका गलत है, आप आंदोलन करिए बिल्कुल मना नहीं है, मगर आप आंदोलन कर रहे हैं, आप सीधे पत्थरबाजी, भारतीय जनता पार्टी ने पत्थर नहीं मारा, ऐसा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी ने पत्थर नहीं मारा, बताइए कि भारतीय जनता पार्टी आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, मगर उसका एक तरीका होता है, एक नियम होता है, ये नहीं है कि आप पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करो, आपने दिल्ली में देखा, बीजेपी ने क्या किया? कभी बीजेपी ने पत्थर नहीं चलाया, कभी आंदोलन नहीं किया, बीजेपी बस नहीं फूका, 6 दिसंबर 1992 को आपने पूरा देश जला दिया, और आंदोलन सुनिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद भी आपने मस्जिद तोड़ दिया, क्या ये गैर कानूनी नहीं था? बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, कभी अनुशासन आप कानून को मानते हैं? बताइए आप कानून को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। 6 दिसंबर 1992 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया था मस्जिद तोड़ने पर, तो आप क्यों तोड़ दिए? आप उस टाइम सरकार किसकी थी? अरे सरकार छोड़िए, आपके अनुशासन पार्टी थी, आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना क्यों किया? बीजेपी की तो नहीं थी ना, कांग्रेस की थी, आप ये सवाल करते हैं किसकी सरकार थी? कल्याण सिंह थे मुख्यमंत्री, क्या बात कर रहे हैं, भूल रहे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कौन था आप ये बताएं हमें, जिम्मेदारी किसकी है, लाइन ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? उन्होंने वहां संभाला था, बाकायदा संभाला था, तोड़वा दिया, अगर कांग्रेस ऊपर से पूरा निर्देश दे रही थी कि इसको तोड़ दो, ये कांग्रेस की देख लीजिए, कांग्रेस मैं पूरे देश को सुनाना चाह रहा हूँ, कांग्रेस सुन लीजिए भाषा इसकी, पूरा देश सुनना चाहिए भाषा सुनिए, बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है कि थोड़ा सा इसमें तर्क वितर्क का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसी मुद्दे से जुड़ी हुई बातों को लेकर आइए सर, बीजेपी ने कभी नहीं कैप्टनाइज सिंह जी एक सेकंड, मगर इस बात का जिक्र बार बार क्यों किया जा रहा है कि साहब डिटेंशन सेंटर कहीं नहीं बन रहे, एनआरसी का कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है, मगर एनआरसी ही तो लागू करने के लिए जा रही सरकार, क्या अमित शाह की बातें, क्या रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति की बातें, क्या राजनाथ सिंह की बातें, या अलग अलग पब्लिक प्लेटफॉर्म से की जाने वाली बातें, ये भ्रमित नहीं करती है जनता को, भ्रमित नहीं होगी जनता? कैप्टनाइज सिंह जी बिल्कुल नहीं, एनआरसी बिल्कुल अपनी जगह सही है, और उसको जो है ना अगर तरीका से देखा जाए तो वो जो है ना नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, ये लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा। मैं सीए की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं सीए की बात नहीं कर रहा हूं, एनआरसी को लेकर के जिस तरीके से हंगामा है, क्योंकि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर के इंट्रोडक्शन के बाद से, हालांकि इसकी शुरुआत 2004 में होती है, 2010 में इसे शुरू किया जाता है करना, और उसके बाद में उसका अपडेशन 2015 में किया गया, मगर अब इसी बीच में इस मुद्दे को ला करके सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? नहीं, सरकार यहाँ अपने अपनी जगह बिल्कुल सही है, सरकार की रूपरेखा बिल्कुल साफ सुथरी है, सरकार जो उन लोगों को देना चाह रही है नागरिकता जो बाकी में शोषित हैं, बरसों से आके यहाँ पड़े हैं, जिनको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, यहाँ की नागरिकता नहीं मिल रही है और बरसों से यहाँ पड़े, आप सोचिए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जो 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 वहाँ शोषित है, क्या उनको नागरिकता नहीं देना चाहिए? क्या उनको इसी हाल में छोड़ देना चाहिए? आज उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, उनकी बहू बेटियों को वहां से किडनैप किया जा रहा है, उनके साथ दुराचार हो रहा है, क्या उनको नागरिकता देने का अधिकार नहीं है भारत को? मैं तो कह रहा हूं ये कदम जो आज बीजेपी ने नहीं उठाया है, ये कांग्रेस ने उठाया था, उस कदम को आगे जो है ना बीजेपी बढ़ा रही है, इसमें बीजेपी कहीं से कहीं गलत नहीं है।
देखिए जब्बार भाई, इनको बहुत दर्द है। नेपाल ऐसा देश है जहां बिना वीजा पासपोर्ट के जाते हैं, बिना पासपोर्ट के जाते हैं। वहां 600 मधेसियों को जान से मार दिया गया, पूरी नेपाल खाली करा दी गई। इतना जुल्म ज्यादती हुआ, इस सरकार ने आवाज़ उठाया? किसकी बात कर रहे हैं? किससे हमदर्दी रख रहे हैं ये लोग? हम छोड़ रहे हैं मुसलमान से, आप हमदर्दी मत करिए, हमको नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी। लेकिन आप जिस कम्युनिटी की राजनीति कर रहे हैं, आप कह रहे हिंदू, आप नेपाल में क्या मधेसी हिंदू नहीं था? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छोड़ दीजिए, आप नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से भी कभी एक बार पूछे कि हिंदुस्तान का मधेसी, आप विदेश की तो छोड़ दीजिए, भारत के हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को यदि किसी दूसरे देश में तकलीफ दी जाती है तो क्या भारत सरकार का फर्ज नहीं बनता है उसकी हिफाजत करना? हमारे देश के मधेसी वहां जाके अपने व्यवसाय करते हैं, नेपाल के लोग यहां के व्यवसाय करते हैं। हमारे 600 से ज्यादा मधेसी क्या हिंदू नहीं थे? क्या वो इंडियन नहीं थे? क्या वो भारतीय नहीं थे? आपने उनसे कभी पूछा कि ये 600 मधेसी के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है? कि एक भी एफआईआर लॉन्च किया आपने? आप अपने देश में एफआईआर लॉन्च करके आप उनके उन अपराधियों को पकड़वा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को मैं नहीं मानूंगा। भारत ऐसा कभी नहीं करता। भारत अपने देश की, दूसरे के देशों के लोगों के ख्याल रखते हैं, अपने देश का तो रखेंगे ही रखेंगे। तो क्या हुआ 600 मधेसी जो मारे गए नेपाल में? नहीं, 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 आप बता दिए क्या किया आपने? उस पे भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया था और उनको लिए जो है ना, सर ये राष्ट्र का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है। ये हिंदुस्तान की आवाम थी, वो 600 मधेसी हमारे देश का भाई था, हमारे देश का नागरिक था, उसको भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए। हमारा सवाल सरकार में बैठे लोगों से है कि हिंदुस्तान का 600 मधेसी गया। आपने उनके लिए क्या किया? हम ये पूछना चाहते हैं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप नेपाल पे ना जाएं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप हम सही सवाल पूछ रहे हैं तो हमको भटक रहे हो रही है। यहाँ हिंदुस्तान की, आप नेपाल भाग गए। आप नेपाल में भाग रहे हैं। आप यहाँ की बात हिंदुस्तान की आवाज की हिफाजत नहीं कर सकते। आप विदेशी लोगों का क्या बात करें? आप नेपाल के मधेसी का सवाल कीजिए जो हिंदुस्तान का मारा गया नेपाल के। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जो है ना मुसलमान जो है ना पाकिस्तान में शोषित हो सकता है? क्या मुसलमान बांग्लादेश में शोषित हो सकता है? क्योंकि वहां पर मुस्लिम राज्य है, तो वहां कैसे शोषित हो सकता है? मैं जवाब दूं? हाँ बताइए। पाकिस्तान के अंदर एक महाजिर कौमी मूवमेंट पार्टी चलती है, हाँ। जानते हैं आप? हाँ, चलती है। उसका नेता को बैन कर रहा है, वो लंदन में शरण लिया है। वो चाहता है कि हम हिंदुस्तान, हमको नागरिकता दे, हम वापस पाकिस्तान से भारत आना चाहें। उसके जैसे एक लाख लोग, लाखों लाख लोग जो मुसलमान हैं, पाकिस्तान में उत्पीड़ित हैं, वो नहीं रहना चाहते पाकिस्तान में, वो भारत आना चाहते हैं। तो क्या भारत के जन्मे वो लोग जो पाकिस्तान किसी गलती की वजह से चले गए आज भारत आना चाहते हैं, आप उसका रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं? क्यों बंद कर रहे हैं आप रास्ता उसका? हमको वो बताइए, जो मुसलमान पाकिस्तान जाके रह गया और वापस अपने देश में आना चाहता है, अपने वतन से प्यार करता है, वो पाकिस्तान में रह के भी उसका दिल हिंदुस्तान में लगा हुआ है, उसके लिए आप रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं? मैं आपकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि जहां मुस्लिम कंट्री है वहां मुस्लिम शोषित नहीं हो सकता। मैं तो कह रहा हूं कि वो महाजिर कौमी मूवमेंट के आदमी जाके लंदन में छिपा हुआ है, आखिर वो शोषित हुआ कि नहीं हुआ? ये तो मुस्लिम कंट्रियों का अपना उनका है। मुस्लिम कंट्री की बात नहीं करते, मैं भारत के अस्मिता की बात करता हूं, भारत में जन्मे उन लोगों की बात करता हूं जो दुनिया में जाके तिरस्कार झेल रहे और वापस भारत आना चाहते हैं। अपने राष्ट्रपति को जो है ना फांसी दे रहे हैं, तो ये बात मत कहिए। मगर हिंदू वहां शोषित है, हिंदू वहां पे है, शोषित हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यदि बांग्लादेश पाकिस्तान और अगर वापस आना चाहता है तो भारत उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है? मैं तो ये पूछता ही नहीं कर रहा है। आप आई, इसका एक तरीका बना है, आप आइए, आप तरीका से यहाँ प्रॉपर चैनल जो है ना, आप जो है ना एप्लीकेशन लगाएं, आपको नागरिकता दी जाएगी। क्या अनंत स्वामी को दी गई है? किसको नहीं? ऐसे अभी तक 25 दूसरी कंट्रियों के मुसलमान है जिनको जो है ना 25 लोगों को अभी तक नागरिकता भारत की मिल चुकी है, तो ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते इस बिल के माध्यम से नहीं मिलेगी। आप समझिए, आदना सामी को आप दे चुके, अब जो नई बिल आई उसके हिसाब से नहीं मिल रही है। और समझिए, जब पाकिस्तान तोड़ के भारत ने बांग्लादेश बनाया, आप फौजी हैं, आप जानते होंगे, 1 लाख जनरल नियाजी की सेना ने आत्मसमर्पण किया, वो हिंदू मुसलमान 10,000 गांव खाली करना पड़ा, 1 लाख सेना को आत्मसमर्पण करने 10,000 गांव खाली करना पड़ा, वो 10,000 के लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग भारत में आके भारत ने शरण दिया उनको, वो विभीषण है हमारे। और आज 40 साल के बाद उन विभीषणों को जिन्होंने लंका जीतने में मदद किया आपकी, आज उनको आप निकाल रहे एक देश से बाहर, आप दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? आप बोलिए दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं करते ही। ये 12 लाख को आप रख रहे, 8 लाख को क्यों नहीं रख रहे? हम तो ये पूछना चाहते हैं। हम सबको रख रहे हैं, हम मना किसको कर रहे हैं? अरे सर, सीधे सीधे जब उसमें मुसलमान को आपने निकाल दिया बिल से, आपने उस बिल से निकाल दिया मुसलमान को, आप उस बिल को ठीक से पढ़े? अरे मैं 100 बार पढ़ चुका, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, मैं खुद पेटिशनर हूं, आप सुप्रीम कोर्ट में पढ़ गए, उसमें साफ साफ लिखा है कि मुसलमान को नहीं दिया जाएगा, आपने ठीक से दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं है, आप ठीक से उसको पढ़े।
उसमें ये कहीं है ही नहीं। भरमत ये बिल नागरिकता दे रहा है किसी की नागरिकता मुसलमान को हिंदुस्तान में जाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ का नागरिक है और यही रहेगा। ये आप गलत भ्रमित कर रहे हैं। जो एनआरसी में 20 लाख लोग बाहर हुए, 20 लाख जो बाहर हो रहे हैं उनको नागरिकता मिलेगी आपके हिसाब से? नहीं हो रहे, कोई भी नहीं हो रहे, नहीं जाएंगे ना बाहर कोई भी। आप कह रहे ना टीवी पर, मैं कह रहा हूँ कोई एक ये नोट हो रहा है हिंदुस्तान में रह रहा है नहीं तो 20 सवाल यही बात का है कि जब हिंदुस्तान में 20 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए, आप 12 लाख को दे रहे, 8 लाख मुसलमानों को नहीं दे रहे। अगर आप कहते हैं कि दे रहे तो आप कहिए टीवी पर कि हाँ हम दे रहे। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में रह रहा मुसलमान, हाँ भैया आसाम में जो रह रहा है उसी की बात हम कर रहे हैं। एक भी मुसलमान हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाएगा, जो यहाँ का नागरिक है वो यही रहेगा, उसकी नागरिकता कहीं नहीं जा रही, वो यहाँ का नागरिक है और यही रहेगा। तो डिटेंशन कैंप में क्यों भेजा गया सनाउल्ला साहब को? आप गलत बोल रहे हैं। नहीं सनाउल्ला आर्मी का अफसर, आप एनडीटीवी का डिबेट उठा के देखिए, आप सुन लीजिए, जो कारगिल में लड़ा वो मेजर को जेल भेज दिया, डिटेंशन कैंप भेज दिया, कल रिहा हो क्या है? आप लोगों का भ्रमित कर रहे हैं। इस तरह का कोई कैंप ही नहीं बनाया अभी तक, ऐसा कोई कैंप है ही नहीं, आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों। झूठ का डिग्री कहां से ले? नहीं झूठ का डिग्री कैप्टन आई सिंह जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहां पर करेक्शन की जरूरत है। असम के अंदर डिटेंशन सेंटर बना हुआ है, बन रहा है, उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है और असम में वहां पर कई सारे लोग डिटेंशन सेंटर में रह भी रहे हैं। 15 ऐसी वहां पर इमारतें हैं, करीब 2.5 से 5 एकड़ के जमीन में डिटेंशन सेंटर है। अब सवाल यह है कि इन तमाम चीजों के बीच में क्या एनआरसी को एनपीआर को मिक्सअप किया जा रहा है? क्या फजील अहमद साहब ये मिक्सअप करना ठीक है? देखिए जब्बार साहब, शुतुरमुर्ग जो होता है ना वो रेगिस्तान का प्राणी होता है, जब तूफान आता है वो पंख से अपने आप को ढक लेता है, सोचता है कि हम इस तूफान से बच जाएंगे। आज देश में बैंक बंद हो रहे, फैक्ट्रियां वापस जा रही, जीडीपी गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे, सरकार एनपीए एनपीएनसीआर करके वो सोच रहे कि हम इस तूफान से ढक करके बच जाएंगे। अरे वह शुतुरमुर्ग मत बनो, ये हिंदुस्तान है, समझो इस देश की राजनीति को, 70 साल जिसने राज किया उससे कुछ सीख लो। ये शुतुरमुर्ग बन के आप ढक ले रहे तो सोचे तूफान से नहीं बचोगे। आप एनपीआर क्या है, 2 दिन में हो जाएगा, 7-8 साल लगेगा, अभी 5 साल कम से कम लगेगा इस काम को करने में। लेकिन जो आज देश की जीडीपी गिर रही है, मुश्किलों से भागने की कोशिश, मुश्किलों से भागने का एक रास्ता, मुश्किलों से भाग रहे, छिप रहे, ये छिप रहे, अपने आप को छिपा रहे, लेकिन तूफान से आप बच नहीं पाए। आप मरोगे और हमको भी मारोगे। आप ऐसे जहाज में बैठे हो जो डूब रहा है और आप डूबने की बजाय किसको डुबा रहे हो? आप भी डूबोगे और हमको भी डुबाओगे। 70 साल में सिर्फ कांग्रेस ने देश को बांटा है, हिंदू में, मुस्लिम में, जाति में, समाज में, और आप जोड़ रहे, और आप जोड़ रहे, और 70 साल में कांग्रेस के लिए ऐसे कोई बिल लेके नहीं आए जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अलग अलग किया गया हो। आपको सीखना चाहिए कांग्रेस से, कुछ सीखना चाहिए। जैसे आप आधार कार्ड को मान लिए, जैसे आप एनआरसी को मान लिए, कांग्रेस की सारी आजाद कराया, बिल्कुल मुस्लिम महिला को कितने आजाद कराया हमारे अल्लाह ने, बीजेपी पार्टी कुरान ने हमको आजाद किया है, अल्लाह ने आजाद किया है, कुरान ने हमको आजाद किया है, किसी के ऐसा नहीं है, अल्लाह ने हमको आजादी दी है, अल्लाह ने कुरान में तलाक का सिस्टम तय करके हमको आजाद किया है। आपके एहसान से नहीं हुआ, आपने वही बिल पास किया जो हमारे कुरान कहता है, आपने वही बिल पास किया जो हमारा अल्लाह कहता है। हम अल्लाह के हिफाजत से हैं, हम कुरान की हिफाजत से हैं, आपके एहसान से नहीं है। क्यों नहीं है? आजादी अल्लाह ने दी है। आपने तो रोक लगाई उस पे, आपने तो उस पे भी रोक लगाई, उस पे भी आंदोलन किया आपने, उस पे भी 1400 साल से मान रहे। आप 70 जुमा 8 दिन को 70 साल हुआ देश आजाद किए, हम तो 1400 साल से ये गर्मा गर्मी ये बहस और जिस तरीके से सरकार से लेकर के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगहों पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। मगर क्या ये एनआरसी और क्या एनपीआर दोनों का कोई ताल्लुक है? हालांकि सरकार बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, मगर अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग पक्ष हैं। हमारे दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आईपीएस सिंह जी, कैप्टन आईपीएस सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जो कि थे हमारे साथ जुड़े हुए थे, फजील अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, आप दोनों लोगों का शुक्रिया। लेकिन सवाल इसी बात का है, क्या मौजूदा वक्त में जिन चीजों को लेकर के जिस तरीके से रोष, आक्रोश और भ्रमित करने वाली स्थिति पैदा की जा रही है, हो रही है, आखिर इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? सोचना समझना आपकी भी जिम्मेदारी है।